हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोलोक मोती पर। और फ्रेंड्स, मुझे काफी लोग पूछ रहे थे आप श्रृंगार करते समय क्या क्या सामान का यूज करते हो, तो मैं वही दिखा रहा हूँ वीडियो को जो शुरुआत में है। ये कुछ कपड़े हैं जो मैं कान्हा जी के ड्रेस के लिए आज यूज करने वाला हूँ, और यहाँ पर उसका सेम टू सेम मतलब जो कपड़ा है, यहाँ पर उनकी ज्वेलरी है, जितनी मुझे पहनानी होती है वो मैं निकाल के बाजू में रख देता हूँ। पर इस बार मैंने मतलब फिक्स नहीं था, तो इसलिए मैंने बाजू में सारी ज्वेलरी रख दी है। तो टाइम माने मतलब उसी टाइम पर अगर कुछ बनाना हो तो हम फेविक्रिल का यूज करते हैं, और यहाँ पर स्टोन चेन भी देख सकते हैं, इससे हम कुछ मतलब नया डिजाइन बनाना हो तो बना सकते हैं। यहाँ पर और भी जो लॉन्ग हार और शॉर्ट हार नेकलेसेस और भी है कुछ कुछ कान्हा जी का, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। ये मोरपंख और ये जो बड़ा हार है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये लॉन्ग हार है और ये मैं मोती लेकर आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मोती मैं हार बनाने के लिए लेकर आया था। ये कुछ फिदर लाया था मैं, वो बहुत पहले ही लाया था, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है। और यहाँ पर ये जो मतलब पहले जो कपड़े बनाए थे उनमें से जो बचे उचे कपड़े होते हैं वो मैं संभाल कर रखता हूँ, पता नहीं होता कि कब कौन सा कपड़ा काम आ जाता है। तो ये सारे जो कपड़े हैं यहाँ पर, तो ये नेट के जो कपड़े हैं और जो सिंपल वाले भी है वहीं पे उसी में रखे हुए हैं। तो अब जो है हम वीडियो को जो मतलब कान्हा जी के श्रृंगार का शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अब समर का मतलब गर्मी का मौसम आ गया है, तो हम शॉर्ट कपड़े ही पहनाए, मतलब अभी घुटनों तक धोती पहनाइए हैं और एक मतलब उनको दुपट्टा दे देंगे और पगड़ी बांध देंगे, तो आज का श्रृंगार काफी बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं जो है थोड़े से प्लेट्स लगा के कान्हा जी के लिए मतलब जो उनकी धोती से जो अटैच होता है वो वाला बनाने की कोशिश करूंगा, ये इस तरीके से मैं बोल रहा था। अब जो है धोती का लुक बहुत मतलब अच्छा आ गया है, और अब उनका जो कमरबंद बनाने की कोशिश करते हैं। जो सेम कपड़ा है उसके सेम कलर में मैचिंग हमने पैच लेकर आए थे, तो वो हम कमर की जगह मतलब आ रहे हैं, तो वो हम लगा देने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो ये यहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर हम ये लगा देंगे। फ्रेंड्स, जब हम श्रृंगार करते हैं तो फिक्स नहीं होता है कि क्या लगाएंगे और क्या पहनाएंगे कान्हा जी को, कैसे ड्रेस बनाएंगे, तो वो सब मतलब जो एन मौके पे जो है बनाने की कोशिश आज जो है कर रहा हूँ। तो ये लेस थी जो कमरबंद में के लिए यूज कर रहा हूँ, पहले लेस लगाऊंगा और बाद में उसके ऊपर से पैच इस तरीके से। तो अब जो है धोती और अच्छी लग रही है, क्योंकि जो धोती के मतलब घुटनों पर जो बॉर्डर थी धोती की वहाँ पर भी मैंने लेस जो है लगा दी है। और ये कुछ फूल रखे थे, ये पिछले श्रृंगार में भी आपने देखे होंगे, तो ये फूल अच्छे लग रहे थे तो यहाँ पर लगा दिए हैं। कान्हा जी को हमने पायल भी पहना दी है, आप भी यहाँ पर देखें। फ्रेंड्स, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी 200 फॉलोअर कंप्लीट हो गए हैं, तो अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको कान्हा जी के नए श्रृंगार की फोटो और रील्स देखने को मिलेगी। तो जो लेस मैंने कमर पे लगाई थी वो लेस को कट करके मैंने उनके जो हाथों में कड़े बना लिए हैं, और कान में ये जो छोटे से जो थे मेरे पास कान के, तो वो मैंने पहना दिए हैं कान्हा जी को। ये वाले छोटे भी है और ज्यादा मतलब अच्छे भी लगते हैं कान्हा जी पर, तो ये हम इस बार पहनाने वाले हैं। तो देखिए कान्हा जी के जो हाथ में कड़े हैं वो भी हमने जो बताया लेस से ही बने हुए हैं। देखिए ये देखिए इस प्रकार की लेस थी,
तो अब जो है मैं सोच रहा हूँ कि जो गले का जोकर है वो भी हम उसी से बना दें, मतलब सब मैचिंग हो जाएगा, पर वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर हम कोशिश करेंगे कि उसका जोकर बना पाए। तो याद कीजिए, हमने मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखा है उसको और अच्छा लग रहा था, पर अब जो है कान्हा जी मतलब ज़्यादा लग रहा है वो, तो बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। तो तुलसी की माला पहना देता हूँ। तुलसी की माला हाथ के ऊपर से लेकर देखेंगे तो मतलब अच्छे लगेगा, तो उसे मैं जो है ठीक से अच्छे से ऊपर से ले लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, इस तरीके से मतलब हाथ पे उनके टिका देते हैं। हाँ अब और अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स, अगर आप मतलब सीखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम कान्हा जी के मतलब धोती का और पगड़ी का ट्यूटोरियल भी देने वाले हैं। तो ये पगड़ी मैंने आज बांधी थी, मतलब मैं अलग से पगड़ी बांध के फिर कान्हा जी को पहनाता हूँ। तो ये बिल्कुल अच्छी लग रही है। और जो कमर पर जो पैच लगाया था वो मैंने मतलब सेम टू सेम और एक रखा हुआ था तो पगड़ी पर लगा दिया है। और जो आपको फिदर दिखाए थे वो उसमें से जो मैच हो रहे थे फिदर, जो थोड़े थोड़े सेम टू सेम जो फीका कलर है वो तो नहीं मिल पाया था, इसीलिए वो वाले फिदर लेकर वहां पर अटैच कर दिया है और उन्हें जो है उनका पटका दे दिया। अब जो है उनकी पत्रावली, तिलक और बांसुरी बाकी है, तो हम इन्हें मंदिर में विराजित करके आपको दर्शन कराते हैं। तो जो बांसुरी, पत्रावली और उनका जो तिलक है वो हम मंदिर में उन्हें विराजित करके ही लगाएंगे। तो कान्हा जी ऐसे तैयार हो गए हैं, अब आप दर्शन कर लीजिए। मैंने मंदिर का कुछ लुक चेंज कर दिया है, मतलब मुझे लगता है ना कि अब मंदिर का लुक चेंज कर देना चाहिए, तो मैं उसे मतलब 2-3 एकादशी के बाद चेंज कर देता हूँ। तो अब आप बताइए कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अगर ऐसे और वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आंखों के उनके ऊपर से जो पत्रावली निकाली है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। आप एक बार दर्शन कर लीजिए उनके। और ये हमारे छोटे कान्हा जी, तो फ्रेंड्स आज का श्रृंगार कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने रिश्तेदार या फैमिली में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी कान्हा जी के दर्शन कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।